ओके हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सभी को? मैं इंसान के बच्चे चुप हो जा। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है क्या सभी को? वेरी गुड, सो आई थिंक वी आर लाइव नाउ। ओके सर, ओके। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। हेलो मनोज, राम, शुभम, बहुत बढ़िया। ऑडियो वीडियो बताइए सभी को क्लियर आ रही है क्या? बलबीर कह रहे हैं पीपल ऑफ 2021 या 21 का कोई बैच नहीं है। भाई सिलेबस तो सेम है, 21 में ऐसा नहीं है कि डीबीएमएस अभी कुछ और था अभी कुछ और है, या डेटा स्ट्रक्चर कुछ और था कुछ और है, सेम है। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। एक मिनट वेट करते हैं, जल्दी से सब लोग आ जाइए। बहुत अच्छे, ठीक है सर। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे एरे के ऊपर, है ना। एंड वी स्टार्टेड विद वेरी वेरी बेसिक आइडिया। तो हमने बात किया था बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, और अगर बेसिक बेसिक बात करें तो होमोजीनियस क्या होता है, हेटरोजीनियस क्या होता है, लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, ये सब डिस्कशन हमने किया। उसके बाद एरे पे हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, और जो बहुत बेसिक बेसिक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है, वो सारे एरियाज पे हमने एरे पे बात की थी। तो आज उस डिस्कशन को आगे लेके जाना है। और एरे अपने आप में इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, उन सब का जो डिपेंडेंस है वो भी किस पे रहता है, एरे के ऊपर। तो एरे के ऊपर और डिटेल में काम करेंगे। और जैसा लास्ट क्लास में भी हम देख रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हम किस पे करने वाले हैं, PYQs पे, है ना। तो कंपनी वाले जितने अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी हमको आएगी। तो यहाँ पर जो आज का सबसे पहला आइडिया मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सब लोग आ गए हैं, चलिए जल्दी जल्दी बात करनी शुरू करता हूँ। जो सबसे पहला आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडेक्सिंग के ऊपर। तो लास्ट क्लास में भी हमने इंडेक्स का आइडिया डिस्कस किया था, फिर भी मुझे लगता है एक बार डिटेल में दोबारा इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें इन जनरल बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, है ना। तो जरा मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए अगेन एक सिंपल सा एरे हमारे पास है, है ना, ए बी सी डी ई एफ ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो सी कौन से नंबर का एलिमेंट है? सी, हाँ सी कौन से नंबर का है? सेकंड नंबर का। और ए जीरो नंबर का, या ई सिक्स्थ, सिक्स कैसे, फोर्थ कैसे, जीरो वन टू थ्री एंड फोर्थ नंबर का होगा। सब गलत हो आप, गलत क्यों? देखो मैंने इंडेक्सिंग लगा दी क्या अभी? नहीं। और मैंने स्पेशली ये नहीं पूछा उसका इंडेक्स क्या, मैंने पूछा कौन से नंबर का है। तो कोई इसका नंबर क्या है, पहला नंबर है, इसमें कौन सा अंकगणित लगा दिया आपने, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। तो बेसिक हमेशा सुखा की एग्जाम में क्या हर बार इंडेक्स से पूछे, जरूरी है क्या? नहीं, ज्यादातर केस में वो कंफ्यूज करेगा ही करेगा। यस, तो फिर से पूछ लेता हूं, बताओ डी कौन से नंबर का एलिमेंट, चौथे नंबर का, इसमें क्या डाउट है? सी कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का। ये बात क्लियर है सभी को? किसको, किसको इंडेक्स? तो मैंने इंडेक्स पूछा आपसे, नहीं, बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जब मैं इंडेक्स पूछूंगा तो आप इंडेक्स बताओगे, जब मैं एड्रेस पूछूंगा तो एड्रेस बताओगे। मान लो ऐसा समझो, ऐसा है एक गली है, है ना, इसमें मकान नंबर, पहला मकान नंबर 10 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता भाई, भाई मोहल्ला है, हो सकता है 9 नंबर तक के मकान कहीं और हो, पहला नंबर 10 हो सकता है, हाँ दूसरा नंबर 11 हो सकता है, तीसरा नंबर, इसका मतलब इस गली में इंडेक्सिंग कहां से चालू हुई है, 10 से। लेकिन इस गली में ये तो है तो दूसरे नंबर का ही मकान, तो दोनों चीजें आपस में कंफ्यूजन नहीं होनी। जब मैं पूछूं आपका हाउस नंबर क्या है, तब आप बताइएगा हाउस नंबर 11 है, लेकिन इस गली में इसका नंबर दूसरा ही है, हाँ। तो फिर आखिरी बात पूछ लूं, बताओ बी कौन से नंबर का एलिमेंट है, बी दूसरे नंबर का एलिमेंट है, बी से पहले कितने,
देख अब ये दूसरा है तो इससे पहले एक ही होगा, सिंपल बात। अब बात कर लेते हैं इंडेक्सिंग की, क्योंकि दूसरा नंबर तीसरा नंबर इसके साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंफर्टेबल होंगी क्या? नहीं, उनको क्या चाहिए? एक परमानेंट एड्रेस चाहिए जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे, और आज हम एक्सेस करना भी सीखेंगे डिटेल में। तो अब मैं बात करता हूं बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल सही बात है, बाय डिफॉल्ट हम सीएसआईडी वाले गिनती कहां से चालू करते हैं? अब जीरो नंबर है कि इंडेक्स है? इंडेक्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये इंडेक्स जीरो, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, इंडेक्स फोर एंड इंडेक्स फाइव। तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो क्या बोलोगे? फोर्थ इंडेक्स पे ये है। इस तरह से बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अच्छा, अब देखो यहां देखो बेस केस डिफॉल्ट केस, अगर कोई आपसे ना बोले तो आप हमेशा क्या मान के चलोगे कि इंडेक्सिंग कहां से चालू है? जीरो से। इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो बेस इंडेक्सिंग, जो सीएसआईटी में पॉपुलर है। लेकिन अलग अलग प्रोग्राम, एक और बात, अब मैं जो आपसे आइडिया डिस्कस कर रहा हूं ये मैं सी के कर रहा हूं, जावा के कर रहा हूं, पाइथन के कर रहा हूं, किसके? किसी के भी है ना। तो मैं तो आइडिया डिस्कस कर रहा हूं क्या अलग अलग प्रोग्राम, कौन है किसका उन्हें, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के अलग अलग हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, है ना। तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा इंडेक्सिंग फॉलो करे वो अलग बात है। तो मुझे दोबारा बताओ, अगर मैं यहां पे नंबरिंग वन से स्टार्ट करूं तो नंबरिंग या इंडेक्सिंग कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ फिलहाल फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट कौन है? फिलहाल डी है, क्योंकि इस केस में हमने नंबरिंग कहां से चालू करी? फोर्थ से, और अगली बार सॉरी वन से, और मैं किसकी बात कर रहा था? इंडेक्स फोर की। इवन क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आमतौर पर एन बेस इंडेक्सिंग भी अलाउ करते हैं? हाँ करते हैं। इसका मतलब ना जीरो पे रिस्ट्रिक्शन है ना वन पे, आप किसी से भी कर सकते हो, इवन माइनस भी कर सकते हो। हाँ कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप बताओ किससे शुरू करो? माइनस, माइनस टेन से कर लेते, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या हुआ? माइनस टेन। इसका इंडेक्स क्या हुआ? माइनस नाइन, माइनस एट, माइनस सेवन, माइनस सिक्स, माइनस फाइव। एक सवाल यह भी हो सकता है कि क्यों माइनस टेन से करने की क्या जरूरत है? क्या कोई जरूरत हो सकती है? आप सोचो। देखो जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं ना, एज ए डिजाइनर क्या हो सकता है प्रैक्टिकली बाद में लोग उसको कैसे कैसे यूज करेंगे, क्या पर्पस होगा, उस बात को अभी हम ना समझ पा रहे हो सकता है। जैसे मैं एक आइडिया देता हूं, ये कह रहे हैं जो बता रहा है कि आपके एग्जाम में कितने कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं, और अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो नंबर माइनस में जा सकते हैं। यस, तो अगर मान लो इंडेक्स माइनस सिक्स पे लिखा है सेवन, तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि माइनस छह नंबर कितने बच्चों के आए हैं? हेलो केजी पे आई थिंक स्ट्रीम एंड हो गई है, कोई बात नहीं आप इधर ज्वाइन करो। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं प्लेसमेंट प्रेप पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई थिंक केजी वाली स्ट्रीम एंड हो गई है, तो बाद में उसमें हम रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर देंगे। यहाँ आई थिंक सब लोग कवा जा रही है, ठीक है एक बार रिफ्रेश करिएगा।
ओके ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था इंडेक्स के बारे में। यस, तो टॉकिंग अबाउट इंडेक्स, तो हमने समझा कि कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारे पास डिफॉल्ट मेथड है, जहां पे बाय डिफॉल्ट हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्या जरूरत पड़ने पे वन पे, और जो मैं लास्ट एग्जाम्पल कोट कर रहा था, किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइनर, क्या हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्रामर पे लगाना चाहते हैं? नहीं, तो उसके पास लिबर्टी होनी चाहिए, वो जैसे चाहे वैसे मैनेज करना चाहे तो करे, है ना। कि हम किसी को ये बोल रहे हैं कि उसे नेगेटिव बेस से या किसी और बेस से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, नहीं, हम ऑप्शन दे रहे हैं। वैसे ज्यादातर तो हमारा काम किससे ही हो जाएगा, जीरो। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ना एक बार ध्यान से, मुझे बताओ क्या समझ आता है। सर ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ऑब्जर्व करो। बहुत सिंपल केस है, ऑब्जर्व करो, बताओ क्या आंसर होगा। क्या बोल रहा है ये, इसने ध्यान से देखना क्या बोला है। एज्यूम इंट इज ऑफ 4 बाइट, तो इंटीजर है और एक इंटीजर का साइज कितना है, 4 बाइट। इसने बताया क्यों, क्या इंटीजर का साइज सिस्टम टू सिस्टम डिफर कर सकता है? हाँ कर सकता है, कुछ लैंग्वेजेस में 2 बाइट भी हो सकता है, और कुछ कुछ केसेस में, खासकर आजकल रिसेंटली, कितना भी होता है, 4 बाइट। तो ये बात क्लियरली मेंशन करना जरूरी है ना। तो ये इसने क्लियरली मेंशन कर दिया। अब बोल रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे इंट एआरआर। लास्ट क्लास में हमने डिक्लेरेशन देखा था, ऐसे डिक्लेयर करते हैं, और इसमें लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 15। इस बात का क्या मतलब है, 15 एलिमेंट है। इंडेक्स कहां से कहां पे है? हाँ, तो देखो उसने इंडेक्स बताया है क्या? नहीं। अगर नहीं बताया तो क्या मान के चलेंगे, 0 से 14। ये सबसे बड़ा इंडेक्स लिखा है कि साइज लिखा है? साइज लिखा है। तो अगर साइज लिखा है तो साइज के हिसाब से किधर जाएंगे, 0 से लेके 14 तक जाएंगे। ये बात समझ आती है? हालांकि मैं बस फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी आपको बता रहा हूं, क्या इसकी कोई जरूरत थी? नहीं, क्योंकि अगर हम यहां से क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल कितने एलिमेंट होंगे। अगर टोटल एलिमेंट मैं यहां से पढ़ पा रहा हूं तो फिर और मेरे को क्या चाहिए था? तब टोटल साइज कितना होगा बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 15, और साइज ऑफ वन एलिमेंट कितना हुआ, क्या दिया है, 4 बाइट। तो 15 × 4 करेक्ट आंसर कितना हुआ, 6060। बहुत सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट एकदम। एक बात नोटिस करने वाली क्या है कि स्टिल ये सिंपल क्वेश्चन है, इसने ऑप्शन बहुत अच्छे नहीं दिए। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन 64 होता और यहाँ पे एक ऑप्शन 56 होता, तो जो ज्यादा दिमाग चलाने वाले लोग हैं क्या वो कंफ्यूज हो जाते हैं? मुझे बताओ, 100 ज्यादा दिमाग लगाते ना, ये 14 15 16 लाइक दिस, है ना। तो वो दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। अब एक बात समझना, ज्यादातर क्वेश्चन में, यहाँ तो इसने साइज मुझे पहले से बता दिया, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या साइज पहले से बताएगा? नहीं। उस केस में हमें इंडेक्स का सहारा लेना पड़ेगा देखने के लिए कि इंडेक्सिंग कहां से कहां पे चली है। तो यहां पर जो पहला इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं लोअर बाउंड। मुझसे बोलो क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। जो सबसे बड़ा इंडेक्स होता है उसे बोलते हैं अपर बाउंड। और अगर हमें निकालना हो कि एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो कैसे निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड करके देखो। अभी अपर बाउंड कितना है, 14,
और लोअर बाउंड कितना है? जीरो। ये कितना आया? 14। एलिमेंट कितने हैं? 15। तो सही आया कि गलत? गलत है। ये भी बहुत लोग गलती करते हैं। अब ये ऐसा समझो आप, सिंपल गिनती मान लो मैं एक से लेके कहां तक गया? 10 तक। और अगर मैं गिनने लगू टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो अगर मैंने 10 में से माइनस 1 किया तो कितना आएगा? 9। जबकि एलिमेंट कितने हैं? 10 है। तो क्या करना मत भूलना, प्लस 1। तो ध्यान रखो फॉर्मूला क्या है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ये क्या बता रहा है? ये क्या, ये सब लिख के रखा मैंने, रुक जाओ अभी। ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ एरे। तो कहीं पर भी साइज अगर हमें ओवरऑल कैलकुलेट करना है, अपर बाउंड समझ आ रहा है किसे बोलते हैं? डिफॉल्ट टर्मिनोलॉजी किसे बोलते हैं अपर बाउंड? जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, साधारण भाषा में जो सबसे बड़ा इंडेक्स है दैट इज अपर बाउंड, जो सबसे छोटा इंडेक्स है लोअर बाउंड। बड़े से छोटा माइनस करेंगे और साथ में क्या भी करना है, जब ये करेंगे तो कहानी हमारी सेट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करके हम क्या निकाले? नंबर। लेकिन आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा कि साइज पूछेगा? साइज। साइज के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करूं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब साइज ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एरे का साइज। जैसे इस क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट कर दिए, लेकिन अगर फॉर्मूले से करूं तो क्या करता? वही 14 माइनस 0 प्लस 1। ये क्या मुझे बताता? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय साइज कितना था? 4 बाइट। तो ये टोटल कैलकुलेशन करके कितना आता? 15 एंड दैट इज 4। तो टोटल आंसर क्या ही होता? 6060। बताइए एक बार, सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? पक्की बात? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? तो किसी भी एरे का साइज निकाल सकते हैं आप। अच्छा, ये जोक अब पढ़ो, मुझे बताओ जोक समझ आ रहा है क्या? हर जोक हर किसी को समझ आए जरूरी थोड़ी है, उसके लिए भी कंप्यूटर साइंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ना इस जोक की गहराई समझो, कविता की तो गहराई समझनी होती है सर, इसकी गहराई। अब देखो समझाता हूँ, इसकी साइंस के हैं किसी और ब्रांच के हैं? नहीं, कंप्यूटर साइंस के हैं यार, CSIT वालों में तो कंप्यूटर साइंस वाले ही रखेंगे। ठीक, अब ये इतना बड़ा घोचू बच्चा है कि 5 माइनस 5 इसको पता है कि नहीं? 5 माइनस 5 सर इसको पता है कि नहीं पता है? 5 माइनस 5 इसको नहीं पता है। आप सब कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इसलिए इसलिए ऑनलाइन लगा रहे हैं। अगर आप बहुत बिजी हैं तो आप यहाँ मत आइए। ठीक बात है, चलिए यहाँ देखिए, मुझे बताइए तो 5 माइनस 5 इसको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। तो ये मूर्ख हुआ कि अकलमंद हुआ? 5 माइनस 5 तो पता होना चाहिए, लेकिन ये बच्चे CSIT वाले हैं। तो आप बाहर आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में क्या नॉलेज हम जज करेंगे? नहीं करेंगे। इसे नहीं पता था, ये पीछे मुड़ के घूम रहा है। इसका दोस्त ये नहीं बता रहा कि आंसर जीरो है, क्या बता रहा है? अरे इसका मतलब इसका दोस्त क्या मानता है कि इसको कुछ भी पता हो ना पता हो, इसको कम से कम क्या पता होगा? एरे स्टार्ट फ्रॉम जीरो। गहराई समझ पाए इस बात की, है ना? तो इसका मतलब हम आपको माफ कर देंगे अगर आपको 5 माइनस 5 ना पता हो, लेकिन माफ नहीं करेंगे अगर अगर एरे जीरो से स्टार्ट हो वो ना पता हो। फॉलो कर पाए बात? ठीक है, ये पढ़ो अब जरा, इम्पॉर्टेंट बात है भाई ये समझ आप तब पाएंगे जब आपकी कंप्यूटर साइंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बताओ ये बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या बात कर रहा हूँ भाई, इसे जूम करो, मुझे नहीं दिख रहा, बीच में आके चेक किया करो। आपकी क्या डिस्कशन कर रहे हैं सर? मैं क्लास में बैठो, क्लास में नहीं हाँ समझ आया क्या आपको, क्या बोल रहा है बताओ?
एज अ फादर माई जॉब इज टू रेस्पेक्ट माई सन्स ओपिनियन. आजकल होता है ना लिबरल पेरेंट होता है, तो ऐसा नहीं कि बचपन में बोल दिया कि तू इंजीनियर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे पिताजी मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे जो भी विचार है मैं उनका सम्मान करूं. फिर उसने बोला डैड यस माई डियर सन, हाँ ये बात सच है. फिर इसने क्या बोला, एरे स्टार्ट फ्रॉम वन. तो इतना मैनेज करना था क्या, इतना नहीं करना था, तो क्या किया, गोली निकाल ली, है ना. तो इस बात का मतलब आप समझ गए. ये दो तीन एग्जांपल इस बात को याद दिलाने के लिए कि कुछ भी हो जाए डिफॉल्ट केस में क्या याद रखना है कि इंडेक्सिंग कहां से चालू होती है. ठीक बात है. तो मैं मान रहा हूं कि दो जोक्स के बाद आप ये बात भूलोगे नहीं. चलो अब आपको एक नई बात सिखाता हूं. हमारा काम क्या है, एरे का एडवांटेज हमने क्या पढ़ा था, एरे के सारे एलिमेंट कंटिग्यूस है कि नॉन कंटिग्यूस है, कंटिग्यूस है. तो अगर हमें ये पता हो कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या है और हमें ये पता हो कि हर एलिमेंट का साइज क्या है, तो क्या किसी भी एलिमेंट का डायरेक्ट एड्रेस निकाला जा सकता है. हाँ, है ना. और अगर डायरेक्ट आप एड्रेस मान लो, जैसे वो पहले एग्जांपल हम देख रहे थे कि मान लीजिए कोई गली है और उसमें पहला नंबर जो है वो मान लो हाउस नंबर 10 है, ठीक. और हम फोन पे कह देते ना कौन सा नंबर दिख रहा है कि जी वो मकान नंबर 10 दिख रहा है, कह रहे पांचवा नंबर का है उसके बाद. तब क्या समझे इसके बाद आप, पांचवा नंबर कहां से, 10 के बाद. ये तो बेसिक बात है. तो अब आपको क्या पता था, आपको पता था कि बेस एड्रेस क्या है, आपको पता था कि इसके बाद कौन से नंबर के मकान में हमें जाना है. आपने बेस एड्रेस को इंडेक्स में ऐड कर लिया. ये यहां करते हैं तो ये फॉर्मूला नहीं लिखता, मैं सिंपल आपसे पूछ रहा हूँ. बहुत सारे केस में सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो. उदाहरण के लिए कुछ एलिमेंट ले लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनका बेसिक मैथ बहुत सिंपल है. बच्चे क्या करते हैं, जानबूझ के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. फॉर्मूला समझना है क्या, फॉर्मूला समझना है, लेकिन बेस समझने के बाद. अब बेसिक तो हमें समझ आया नहीं और हम क्या समझ रहे हैं, फॉर्मूला. तो क्या होगा, हम रट्टू तोते बन जाएंगे. चलो तो मैं अपने मन से, मेरा आज मन है इसका बेस एड्रेस 100 रख, तो क्या रख लेता हूँ 100. तो हमें पता है कि ए कहाँ पे स्टोर है, 100 पे स्टोर है. आप बताओ एक एलिमेंट का साइज क्या रखें, 1 byte रखें. आप नए आए इसलिए आपका सम्मान कर रहे हैं. 1 byte, 2 byte, 4 byte कितना, 2 रखेंगे. इसका मतलब रखना मुझे वही था जो मुझे रखना था. आप 2 बोल देते तो आपकी इज्जत रह जाती, कोई बात नहीं. चलो कि 1 पे क्वेश्चन मजेदार बनेगा क्या, बहुत सिंपल है. मान लो 2 byte रख देते हैं, ठीक है. अब अगर आप खुद ही कैलकुलेट करो, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, अगर ए का एड्रेस 100 है और ए 2 byte ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बताओ बी का एड्रेस क्या हुआ, 102. इसमें कोई बहुत बड़ी मैच चाहिए नहीं. और इसी तरह अब आप क्या कर सकते हो, चलते जा सकते हो. सी का एड्रेस बोलो 104 106 107, लाइक अच्छा 108. सॉरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइज 2 byte है. लोग एक बार समझो, नंबरिंग कहां से शुरू हुई इस बात का कोई लेना देना है नहीं. तो वो 1000 भी हो सकता है, वो 500, वो 10000, वो 50000, कुछ भी हो सकता है. मैं +2 +2 क्यों कर पाया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं, जिसे यहाँ पे बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में वेट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से. हम क्या मान के चल रहे हैं कि हर एलिमेंट का वेट क्या है, 2 byte. तो अगर ये 100 नंबर पे था तो इसका अगला भाई कितने पे होगा, 102 पे. उसका अगला भाई कितने पे होगा, और बेसिक बात है. अब ये तो छोटा मोटा एरे आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं. अगर इसने गाली दे दी, अटक गई. चलो अगर एरे बड़ा हो जिसमें 10,000 एलिमेंट हो, 10,00,000 एलिमेंट हो, 10 crore एलिमेंट हो, तब भी आप ऐसे एक एक करके गिन पाएंगे, तब नहीं गिन पाएंगे सब. तब क्या करना पड़ेगा, तब एक फॉर्मूला चाहिए, ठीक है. तो ये जो आपने बेस एड्रेस लिया, कितना लिया, 100, इसको मैं यहां पे किससे रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल बी. ध्यान रखिएगा नोटेशन, किससे, कैपिटल बी. कैपिटल बी स्टैंड्स फॉर बेस एड्रेस. तो आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे चालू कहां से करेंगे, बेस. अच्छा एक काम करते हैं, किसका क्रॉस चेक करें, ई का कर लेते हैं. ई तो नजर आ रहा है 108 है, हम देख लेते हमारे फॉर्मूले से चलेगा कि नहीं. तो बेस एड्रेस आपके पास आ गया. अब ई का इंडेक्स बताओ, इस बार नंबर नहीं पूछ रहा, इंडेक्स ही पूछ रहा हूं. बोलो यस सर नहीं, इंडेक्स बताओ, इंडेक्स 4. अगर मैंने आपको बताया नहीं तो आप क्या मानेंगे, अगर हाँ आप सही बोल रहे हो, अगर मैंने नहीं माना तो क्या मानेंगे, कि पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0. ये मान के चलना है. तो अगर पहले का 0 है तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. इसका मतलब ये क्या है,
4 और यहां पर इंडेक्स यानी के k, तो k का वैल्यू क्या हो गया 4। जैसा हमें पता लग रहा है वेट ऑफ ईच एलिमेंट कितना बोला गया है 2 बाइट। और कोई कैलकुलेशन, और कोई डेटा जो चाहिए हो? नहीं। अब मुझे बताना यहां पे हमने कैसे कैलकुलेट किया। पहले फॉर्मूले लिख रहा, डायरेक्ट बात पूछ रहा हूं, बेस एड्रेस हुआ 100। ठीक, यहां से तो गेम शुरू होना है। अब अगर मेरा इंडेक्स 4 है, ई का इंडेक्स 4 है, तो मुझसे पहले कितने एलिमेंट है? मुझसे पहले 4 एलिमेंट है। इसमें कोई फॉर्मूला लगाना कि दिख रहा है आपको? गिन लो भाई, 1 2 3 4। मुझसे पहले 4 एलिमेंट है और हर कोई कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? 2 बाइट। 4 बाइट नहीं, हमने क्या लिया? 2 बाइट। हर कोई कितना ले रहा है? 2 बाइट। तो ये क्या हो गया, 100 + 8 becomes 108। क्या ये बात वेरीफाई हो रही है? हालांकि बहुत छोटा केस लिया, लेकिन अब अगर इस केस को जनरलाइज करना तो बड़ा लिख सकता हूं। तो मुझे बताना, अगर मुझे kth एलिमेंट पे जाना है किसी एरे A के, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? बेस एड्रेस। 100 किसी बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद, अब ये मामला थोड़ा सा मोटा होने वाला है, इसको समझेंगे। पहले वेट लिख लेता हूं, क्योंकि जो भी निकलेगा हर किसी को किससे मल्टीप्लाई करना है? वेट से। जो कि यहां पर वेट कौन है? डब्ल्यू। और ये कौन है? बेस। अब ये जो हमें निकालना, हमें क्या निकालना है? हमसे पहले कितने एलिमेंट, जैसे मैं 5वें नंबर का था तो मुझसे पहले कितने थे? 4। ये कैसे निकालें? यहां पे अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको समझ आएगा के माइनस लोअर बाउंड। हालांकि मैंने 0 से शुरू किया तो फर्क नहीं पड़ता, और बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे डायरेक्ट के भी लिख देते हैं। 10 में से 9 बार क्या कैसे सही आंसर आएगा? हाँ आएगा, 10 में से 9 बार आएगा। क्यों? अगर इंडेक्सिंग 0 से शुरू करो तो 0 को माइनस करने का तो कोई मतलब बनता नहीं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने कभी भी हल्का सा मामला ट्विस्ट कर दिया और इंडेक्सिंग 1 से या किसी और नंबर से शुरू कर दी, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। और ये मत मानिएगा कोई बहुत महान क्वेश्चन चाहिए बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए, छोटी छोटी बात में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप मुझे बताएं, फिलहाल के की वैल्यू क्या है? 4। हमें 4th इंडेक्स का एड्रेस चाहिए था ना, और शुरू कहां से किया? 0 से। तो 4 - 0 आंसर क्या आया? 4। हमसे पहले इतने एलिमेंट है। मान लो इंडेक्सिंग कहां से चालू होती? 1 से। तो 1 2 3 4, तब मेरा इंडेक्स 4 ही रहता कि 5 हो जाता? 5। बट क्या मेरा फॉर्मूला तब भी काम करता? हाँ। क्यों? क्योंकि 5 - लोअर बाउंड, जो कि इस बार क्या है? 0 के 1 1, तो 5 - 1 तब भी क्या आता? 4। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, क्या बुलेट प्रूफ है? हाँ, ये किसी भी इंडेक्सिंग का काम करेगा, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो नेगेटिव इंडेक्स भी हो। तो क्या लिखो? के माइनस लोअर। और ये बहुत स्वस्थ सुंदर टिकाऊ क्या मिल गया फॉर्मूला, किसके लिए? किसी भी वन डायमेंशनल, क्लियर कर दूं, किसी भी वन डायमेंशनल एरे में अगर kth इंडेक्स का बेस एड्रेस निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। और यही एक कारण है कि एरे को एक्सेस करना फास्ट है कि स्लो है। अभी नोट कर लेना, पूरी बात सुनो मेरी। यही एक कारण है कि एरे को एक्सेस करना फास्ट है कि स्लो है? बहुत फास्ट है, क्योंकि ये कैलकुलेशन करके अगर मेरे पास एड्रेस आ गया, सोचो कंप्यूटर के हिसाब से, तो क्या मैं एक 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 एलिमेंट जंप करके जाऊंगा? नहीं, मेरे पास एड्रेस, मैं डायरेक्ट जाके एक्सेस कर लूंगा। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है। एक और बात, जब तक बिल्कुल श्योर नहीं हो जाऊं तब तक पूछता रहूंगा, बी क्या है? जहां से गेम स्टार्ट हुआ, क्या ये हमारे हाथ में होता है? जैसे फॉर सेक पूछ रहा हूं, मान लो हमने कंपाइलर से बोला, या मान लो हमारे बिहाफ पे कंपाइलर ने ऑपरेटिंग सिस्टम से बोला है ना कि भाई एक एरे डिक्लेयर कर दो जिसका साइज एक्स वाई जेड है ना। जैसे मैं लिख दूं एक इंटीजर ARR एरे, जो भी लास्ट क्वेश्चन में हम देख रहे थे, अगर हमने ये लिखा हुआ तो कंपाइलर को क्या क्या बोला है? वेरी गुड, कम ऑन। एरे बनाओ इंटीजर साइज का जिसका साइज, एक बात और बोलना भूल गए, उस एरे का नाम क्या है? ARR। ये बात ठीक है? क्या आपने कंपाइलर को यह भी बताया कि उसको मेमोरी में यहां डिक्लेयर करो? ये एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है? ऑपरेटिंग। इसका मैं बहुत आसान से एग्जांपल दूं आपको। आपने मान लो किसी होटल में कमरा बुक किया, ठीक, आपको कौन सा कैसा कमरा चाहिए? होता है ना डिलक्स, सुपर डिलक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या ये अधिकार आपके पास है? हाँ, आप ही बताओगे, सिंपल चाहिए, नॉर्मल चाहिए, है ना। किस तारीख को चेक इन करना है, किस तारीख को चेकआउट करना है, क्या ये अधिकार आपके पास है? आप ही बताओगे हमें कब जाना है कब नहीं जाना। लेकिन अब मान लो डिलक्स कैटेगरी के उनके पास 100 कमरे हैं, उसमें एग्जैक्टली कौन सा चाहिए, क्या ये अधिकार आपके पास है? ये कुछ सस्पिशियस बात नहीं है?
आप जाके किसी होटल में बोलो कि सर वो जो आपका जो कंट्रोल रूम है ना, जहां सारी कैमरों की रिकॉर्डिंग होती है, उसके बराबर वाला कमरा चाहिए। होटल वाला बोलेगा ऐसा काय को चाहिए इसको, है लगता है दीवार में छेद करके कंट्रोल रूम की रिकॉर्डिंग लेना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सारी मेमोरी का एक्सेस है। क्या यहाँ पे खुद ओएस भी लिखा हुआ है? मेमोरी के अंदर खुद ओएस का भी तो कोड लिखा है। हाँ, अगर प्रोग्रामर, और क्या हमें पता है कि कहाँ लिखा है? हाँ, आप चाहो तो जाके चेक कर लो मेमोरी में, ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज कर रहा है। प्रोग्रामर अगर ये बोलना सीख जाए कि मुझे वही वाला स्पेस दो या उसके पास वाला स्पेस दो, तो क्या आप उसे एक्सेस कर सकते हो? कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक्सक्लूसिव राइट है, क्या चाहिए, कितना चाहिए, उसका नाम क्या होगा, उसका काम क्या होगा, सब प्रोग्रामर डिसाइड करेगा, लेकिन कहाँ चाहिए ये ओएस डिसाइड करेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जैसा आप पूछ रहे थे, मैं दोबारा बोल दूं, क्या बेस एड्रेस मेरे हाथ में है भाई? प्रैक्टिकली नहीं। आप कोई भी एरे डिक्लेयर कर लो, स्टैटिक कर लो, डायनेमिक कर लो, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? ओएस। लेकिन उसके बाद ये जो के है, क्या ये मेरे हाथ में है? हाँ। इंडेक्सिंग मुझे कहां से शुरू करनी है और मुझे कौन से एलिमेंट का एड्रेस एक्सेस करना चाहता हूं, क्या ये भी मेरे हाथ में है? ये दोनों बातें मेरे हाथ में। बहुत सिंपल बात है, फॉलो कर पा रहे? कोई डाउट है यहां तक तो बताओ। अच्छा, एक बात ये और, ये जो कंपोनेंट है ना इस फॉर्मूले का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉर्मूले को अगर समझना है, उसके एक एक कंपोनेंट को दिमाग में बिठा लेना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मुझे तो जाने से ले जाता, मैं साधारण बात ही करता हूं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात करने की जरूरत नहीं। ये ना वेरी गुड, ये बस इस बात को बता रहा है कि मुझसे पहले कितने, साधारण बात, मुझसे, क्योंकि टोटल साइज की आपको पता है भाई? नहीं। क्या लोअर अमाउंट देख के आप टोटल साइज बता सकते हो? नहीं। बताओ टोटल साइज कैसे बताते हैं? अभी 10 मिनट पहले बताया। कैसे बताते हैं? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन, ऐसा करके पता लगता है टोटल एलिमेंट कितना है। लेकिन के माइनस लोअर बाउंड करते हैं तो पता लगता है मुझसे पहले कितना। अगर मुझे अपना एड्रेस देखना है तो मुझे अपने आगे वालों की टेंशन लेने की पीछे वालों की? जब आप लाइन में खड़े होते हैं, आपको किसकी टेंशन होती है? आपसे आगे कितने, पीछे कितने भी हो, मान लो आपके पीछे कोई लाइन में घुसने लगे, आप लड़ेंगे उससे? नहीं। क्या हमें क्या फर्क पड़ रहा है ना? और आगे कोई लगने लगे तो वहां प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई आगे लग रहा है, आप कह रहे भाई देख पीछे लग रहा, अपने आगे नहीं लगने दूंगा, क्योंकि उससे आपके वेटिंग टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, कम ऑन सब लोग, ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़िए। बहुत बेसिक खेल रहा हूं और बहुत बेसिक्स पे ही काम करने की जरूरत है। लिख लीजिए कॉपी में, वेरी गुड। ज्यादातर क्वेश्चन जो आप प्लेसमेंट्स में कंपनीज में देखेंगे वो नॉर्मली आसान ही होंगे, फिर भी ये प्रैक्टिस बनाइए कि छोटे से छोटा कैलकुलेशन भी हो, यूज पेपर एंड पेंसिल, क्योंकि जहां कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बना सर, मामला गड़बड़ हो जाएगा। टू सिक्सटी फाइव, आपने क्या बोला था? 280। ठीक है, देखिए दो आंसर तो अभी आ गए। कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए? बहुत ध्यान से पूरी बात सोच के, समझ के, पचा के फिर बताइए। आप तो बाहर हो भी चुके हैं, आप कंपनी से बाहर हो चुके हैं, कोई बात नहीं, 6 महीना कॉल सेंटर पे कॉल लगाएंगे अब आप। भाई यही तो सच्चाई है क्या? एग्जाम में भी हमारे सिली मिस्टेक्स में नंबर कटते हैं? हाँ कटते हैं सर। अभी भी जो आप बोल रहे ना, यही है, ये भी बोल के गलती कर रहा। आपको क्या करना चाहिए? कैलकुलेट करना चाहिए, फिर उसे दोबारा डाइजेस्ट करना चाहिए। पहले भी तो किया ही था। अच्छा ठीक, ओके। हाँ भाई, 283, 262, अलग अलग वैल्यू भी आ रहे हैं, देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं इसलिए मैं आपको परेशान कर रहा हूं। मैं तो चाह रहा हूं कि मेरा हर बच्चा क्वेश्चन का आंसर करने से पहले श्योर हो जाए। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है,
एक एक स्टेप सॉल्व करना है, फिर आंसर करना है। टू सिक्सटी टू, ओके ये लीजिए, एक और आंसर आ गया। क्वेश्चन का आंसर जल्दी नहीं करना, अपने को सही करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले आप ध्यान से पढ़ो पूरी बात, एनालाइज करो, आंसर करो, फिर रिवाइज करो कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, तब क्लियर होगा। बस इतनी बात नहीं करनी कि बाहर भेज दूं आपको। हाँ चल, क्या बोल रहा है, लेट द बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज 250। तो बचपन से अब तक जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले क्या पकड़ लेना चाहिए, गिवन डेटा, तो बेस एड्रेस कितना है 250, उसमें कोई डाउट नहीं। आगे पढ़ो, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ऑक्यूपाइज 3 बाइट। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट हो जाए जो 3 बाइट ले, लेकिन एग्जामिनर इज ऑलवेज राइट। तो जो बोल रहा है मानते, कुछ लोग ऐसे विद्रोही स्वभाव के हो सकते हैं, 3 कैसे ले लेगा, या तो 2 लेगा या तो 4 लेगा, भाई जो बोल रहा है वो सच है। चलो तो वेट कितना मान लेता हूँ, 3 बाइट, वेरी गुड। फिर क्या बोल रहा है देखिए, एंड द एड्रेस ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द 1 डायमेंशनल एरे। मजे की बात क्या है, ये इंडेक्स है या एलिमेंट है? हाँ ये इंडेक्स है कि एलिमेंट है? ये एलिमेंट है, क्योंकि आप लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला सीखा, तो मुझे लगा आप फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए बहुत आतुर होंगे। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत है क्या, सोचना एक बात। देखो मैं दोबारा क्लियर कर दूं, मुझे पता भी बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। एरे का साइज क्या है 10, इसने इंडेक्स बताया नहीं बताया, तो डिफॉल्ट केस में आप क्या मानेंगे, 0। तो मैं शुरू करूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बात समझ आ रही है? अब आप मुझे बताएंगे इसने कौन से एलिमेंट का एड्रेस पूछा है, हाँ इंडेक्स फिफ्थ या फिफ्थ, फिफ्थ एलिमेंट। तो फिफ्थ एलिमेंट कौन है, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अब अगर आप अभी सोचो तो नहीं फॉर्मूला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर के ढूंढना ही चाहते हैं तो के की वैल्यू मेरे दोस्त 5 नहीं है, के की वैल्यू 4 है। लगा लीजिए फॉर्मूला, बताइए क्या था, a ऑफ k वेट ऑफ ईच एलिमेंट एंड देन k माइनस लोअर बाउंड। अगर फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो बेस एड्रेस कितना बोला 250, वेट कितना बोला 3, इंडेक्स कितना बोला है 4, क्योंकि फिफ्थ एलिमेंट है लोअर बाउंड, तो कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 250, आंसर कितना हुआ 262। बात समझ आ रही है क्या? आप सर, आपने चेक करके क्या बोला था, क्या सही आया ना, खड़े हो जाओ, बोलो ची, कान पकड़ो, बोलो ची, फिर बोलो ची, फिर बोलो ची, बैठ जाओ। क्या सीखे, और ये मैं आपको अभी इसलिए सीख दे रहा हूं, अभी गलती है, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखो अगर कंपनी में जाना है, अगर बड़ा पेपर क्रैक करना है ना, है अभी शर्म आएगी कोई बात नहीं, लेकिन अभी बाद में ज्यादा शर्म आएगी जब सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहली लर्निंग क्या है, ये मैं लेके प्लेसमेंट से गेट तक सारे बच्चों को ये समझा रहा, तो पहली लर्निंग क्या है, पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी आंसर नहीं करना, उसके बाद जब आंसर कर लें तो भी ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए क्या? सर बहुत सारे लोग बहुत सारी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और एग्जामिनर की भी खास बात समझिए, तो ऑप्शन नहीं थे, आम तौर पे जब ऑप्शंस बनाए जाते हैं तो रैंडमली पास ऑफ फेक्यू बना रहे हैं क्या? नहीं, उनको ये पता, अगर मैं इसको ऑप्शन बनाऊंगा तो पता ऑप्शन ए क्या रखूंगा, 265। बताओ क्यों, क्योंकि 10 में से 8 बच्चे यही गलती करेंगे और क्या निकाल लेंगे 265, और जब ऑप्शन ए दिखेगा तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा कि कैलकुलेट भी कर लिया और आंसर भी मैच हो रहा है, हाँ के ना, यस। तो बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ करेंगे तो मामला सेट चलेगा, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करो इस बार, कमान। जितने भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, ये कौन है कह रहा हेलो नितिका, आई एम सो प्राउड ऑफ यू,
हम सोच रहे हम पे प्राउड होगा, नितिका पे प्राउड हो रहा है भाई। चलो वेरी गुड, एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए, एक एक डेटा ध्यान से लिखिए। मैं क्या बोलता हूं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, जैसे किसी बम का तार काटते हैं ना, पिक्चर में दिखाते हैं कि गलत तार काटा तो बूम गए, उस तरह से सॉल्व करो। बेटा लिखना शुरू करो, ऐसा सोचते रहोगे तो लगे चाणक्य हो क्या कि सोच के विचारों में मगन हो गए। नहीं, ऑलवेज यूज पेन एंड पेपर, कम ऑन। चार वेरिएबल अलग अलग लिखो, K की क्या वैल्यू है, W की क्या वैल्यू है, LB की क्या वैल्यू है, फिर बनाओ। ये आपको समझ आ रहा है इंडेक्स कहां से कहां चल रहा है इस क्वेश्चन में, माइनस सिक्स से प्लस। जाहिर सी बात है रियल लाइफ में इस तरह को केस मिलेगा क्या, नहीं, बट वो जान बुझ के ऐसा बना रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाए। 3524 ओके, कोई बात नहीं, इंडेक्स दिए हुए। ये वैसे पुराना डिक्लेरेशन है, ऐसा कब होता था, पास्कल में, तो आजकल नहीं चलता, बट एग्जाम में पुराने सिंटेक्स भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप करो, अब करो। माइनस सिक्स, ये बात तो सही है, ऐसा भी लग सकता है वैल्यू है, बट माइनस सिक्स और सिक्स क्या है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो ये कह रहा मैं नंबरिंग माइनस सिक्स से, मैं ऐसे बनाऊ इसको, अगर ऐसा एरे है तो कहां से चालू कर रहा है, माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर, ऐसे करके कहां तक जा रहा है, सिक्स है ना, ये है कहानी। करो सॉल्व करो। निशु कुमार, बेस एड्रेस प्लस आई माइनस LB multiply size, very good. 3524, okay, एक answer है। इसके अलावा किसी और का है तो बताइए। ये क्या स्टार स्टार प्रिंट वाला प्रोग्राम लिख रहे थे? हाँ जी, गेट के लिए भी है, गेट के लिए, प्लेसमेंट के लिए, सबके लिए, सब क्वेश्चन ऐसी जगह पूछे जा रहे हैं। हाँ बताओ, मेरी मदद करो भाई, क्या क्या डेटा आपने लिखा, बेस एड्रेस बोलो। 3500, वेट ऑफ ईच एलिमेंट 4 बाइट, वेरी गुड, बहुत पेशेंस है। और इंडेक्स क्या चाहिए, जीरो चाहिए, ठीक बात है, कहां लिखा है जीरो चाहिए बताइए, देखो क्लियर कट मेंशन किया है, ए ऑफ जीरो चाहिए। और अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लोअर बाउंड क्या है, माइनस सिक्स, तो हमें भले ही जीरो चाहिए, ये ना मान लें कि पहला एलिमेंट चाहिए, है ना, हमें माइनस माइनस जैसे गिनती शुरू की, हमें जीरो वाला चाहिए, तो हमसे पहले कितने हैं, हमसे पहले कितने हुए, मत करो कैलकुलेट, फॉर्मूले में भरो, डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो गलत करो, है ना, तो बताओ फॉर्मूला क्या है, ए ऑफ के क्या होता है, ए ऑफ के इज बेस एड्रेस प्लस के माइनस लोअर बाउंड मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट। बेस एड्रेस कितना, 3500 प्लस इंडेक्स कौन सा, जीरो, लोअर बाउंड माइनस माइनस सिक्स, वेट इज 4, तो ये क्या हो गया, 6, 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 3500, तो बिल्कुल सही बात है, तीसरा क्वेश्चन लगा लेकिन सही कर दिया आप लोगों ने। बताइए वन डायमेंशनल एरे पे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा और ये इस तरह का डेटा देगा तो कर लोगे आप? अच्छा देखो, सारे क्वेश्चन में इमेजिन नहीं कर सकता, मैं दो चार केस स्टडी बताता हूं आपको। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा कर सकता है कि बेस एड्रेस दे दे, सारा डेटा दे दे, और केथ का भी एड्रेस दे दे और इंडेक्स पूछ ले, वो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाली बात है, कोई भी दो वेरिएबल देके तीसरा पूछ सकता है, वो इंडेक्स भी दे दे, वो एड्रेस भी दे दे, वो बेस एड्रेस पूछ ले, हो सकता है वो इंडेक्स भी दे दे, वो बेस एड्रेस भी दे दे, वो एलिमेंट का एड्रेस दे दे, साइज ऑफ एलिमेंट पूछ ले, यस और नो, यस। सो व्हेन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर एग्जामिनर कोई भी एक वेरिएबल आपसे पूछने की हिम्मत रखता है, ये मत मानिएगा हर बार की ऑफ ए पूछेगा, अब मान लो उसने कुछ और पूछ लिया आप घबरा गए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या देखना है, फॉर्मूला लगाना, वैल्यू भरते जाना, बाद में एक ही वेरिएबल बचेगा, जो बचेगा उसकी वैल्यू निकाल देनी है,
ठीक बात है, अगला क्वेश्चन करिए। अब ये क्वेश्चन ओरिजिनली गेट का है, गेट 2005 टू मार्क, कॉग्निजन ने रिपीट किया 2016 में। और गेट वाले जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या उन्हें रट्टाफिकेशन वाले आंसर चाहिए? नहीं, कंसेप्चुअल पजल, मजेदार, लगाओ दिमाग। रोशनी, अनीता, निशु, प्रशांत, इंडिया, बाबू ब्लॉग्स, अभिनव, श्रेया, वेरी गुड। ध्यान से पढ़िएगा पूरी बात। और एक बात आपको बता देता हूं, जो क्वेश्चन गेट में एक नंबर में पूछा गया है रिलेटिवली आसान है या मुश्किल है? आसान है, क्योंकि दो क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का और दो नंबर का। तो अगर एक नंबर वाला तो आसान है या मुश्किल है? आसान है, क्योंकि दो वाले थोड़े ऑब्वियसली मुश्किल होंगे, एक वाला थोड़ा आसान होगा। आपको क्यों बता रहा हूं, जो क्वेश्चन गेट में एक नंबर में आया है, आने वाले 10-15 साल के अंदर क्या कंपनीज में डायरेक्ट रिपीट होगा? हाँ, सोचिए ना आप, कॉमन सेंस। जब भी कोई कंपनी पेपर बनाएगी, क्या गेट का बहुत मुश्किल तो नहीं, आसान क्वेश्चन तो रखेंगे? तो जब आप गेट पीवाईक्यू भी सॉल्व करें, इवन फॉर प्लेसमेंट, गेट की तैयारी करें तो फिर तो सारा करना ही है। अगर प्लेसमेंट पे भी कॉन्सेंट्रेटेड है तो गेट के भी कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, एक नंबर वाले कि दो नंबर वाले? एक नंबर वो, क्योंकि क्वेश्चन 60 सेकंड 90 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, उसके एग्जाम में डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो हूबहू भी मिल सकता है। पढ़ो ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है, क्या पजल इसने बनाई। अनुज पोल चलाओ, अनुज हाँ जी, कुछ बात समझ आ रही है क्या? बहुत अजीब से क्वेश्चन है ये पढ़ के कभी सोचने पड़ेगा यार ये बोल क्या रहा है। पढ़ू मैं एक बार, देखो क्या बोल रहा है। अ प्रोग्राम पी रीड्स इन 500 इंटीजर इन अ रेंज 0 to 100 एक्सपेरिमेंटिंग द स्कोर ऑफ 500 स्टूडेंट्स। जब भी मुश्किल बड़ा क्वेश्चन पढ़ना है तो नियम क्या है, पूरा नहीं पढ़ना। हाँ, क्योंकि एक क्वेश्चन जब आप पूरा पढ़ लोगे तो सबसे बाद में आपको एक ही बात समझ आएगी कि आपको कुछ भी समझ नहीं, फिर से पढ़ना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। तो एक लाइन पढ़ो, कंसोलिडेट करो। तो इतनी बात से क्या समझ आ रहा है बोलिए? इससे समझ आ रहा है कि 500 इंटीजर है और 500 बच्चे हैं, तो मैं उनका ऐसे नाम रख लूं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, अप टिल किधर तक जा रहा है? 500 तक, ऐसा ही है ना। और रेंज भी लिख रहा है 0 से 100 तक, बोल भी रहा है स्कोर है। तो मान लो अगर मैं ऐसा लिख दूं, स्टूडेंट नंबर 258 71, क्या मतलब हुआ इस बात का? 71 मार्क्स है, स्टूडेंट नंबर 258 जो है उसके 71 मार्क्स। इतनी बात समझ आ रही है? टोटल बच्चे कितने? 500। आगे पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देन इट प्रिंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्कोर अबव 50। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? काउंट, अकरेंस, है ना। तो मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर 65 इज 3, क्या मतलब इस बात का? तीन ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर कितना है? बात समझ आई? अभी क्या बोल रहा है, लेकिन सबका फ्रीक्वेंसी प्रिंट नहीं करना, कितनों का करना है? अबव 50 कौन हुआ? वेरी गुड। तो 51 से लेके कहां तक जाना है? 100 तक। टोटल कितने हुए?
51 से लेके 100 तक कितने हुए? अब कभी कभी एक प्रॉब्लम ये होती है, जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, सिंपल काउंटिंग में भी शक होने लगता है। ये फैक्ट है ना। तो कोई आपसे पूछ ले ये इस एक से लेके 10 तक गए कितने हुए, आप सोचो कितने हुए, 10 ही है के भाई। 51 से 100 तक गए टोटल कितना हुआ, 50 हुआ, कोई बात नहीं। तो मुझे सबका डेटा चाहिए कि सिर्फ इतनों का चाहिए, इतने का ही थे। आगे क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन पी टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी। तो एरे का साइज कितना चाहिए, 50 चाहिए, यस और नो। अब उसने क्या क्या ऑप्शन दिए, 50 दिया है, 100 दिया, 500 दिया। 500 वाले कौन होंगे, मैं आपसे बोला था ना गलत ऑप्शन रेंडम बनाए जाते हैं क्या, नहीं, सोच कर बनाया उसने। क्यों, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स के इंटीजर कितने हैं, 500। पक्का कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा जो सोचेगा भाई 500 इंटीजर है तो एरे का साइज भी क्या है 500, स्कोर का रेंज कहां तक जा रहा है 100 तक। तो एक बच्चा वो भी होगा जो सोचेगा कि यार एरे का साइज क्या 100, बट ना 500 और 100 है, करेक्ट आंसर क्या है, फॉलो कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगली बात करते हैं 2D एरे को, अनुज पोलैंड कर दो। अगली बात करनी है 2D एरे की। 2D एरे क्या होता है, व्हाट इज 2-डाइमेंशनल एरे, एरे इनसाइड एरे। ये किसने बताया, ये किसने बताया आपको, नहीं नहीं ये मैंने पहली बार सुना है, एरे इनसाइड एरे, ये कहीं पढ़ा है या आपकी अपनी अपना, बेहद गलत है, बेहद गंदा, वाओ। एरे इनसाइड एरे, क्योंकि एरे इनसाइड एरे हो सकता है और आपकी जो कल्पना वो बिल्कुल गलत है, मतलब इस तरह के आइडियाज अलग से हो सकते हैं, हाँ या ना। लेकिन खैर ऐसे ऐसे इमेजिन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो तो खासकर अगर 2D एरे की बात करें, 2D से आ रहे 3D भी खैर एक तरह से विजुलाइज किया जा सकता है, उसके आगे हमें प्रॉब्लम आती है, बट 2D एरे तक विजुलाइज करना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी जो बात आपने की वो बिल्कुल सही है, मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स पे आप काम करते आए हैं कौन सी क्लास से, 11 से है ना। अब सोच रहे होंगे कि क्या 11 क्या 10, जब पढ़ाई नहीं तो फिर खत्म ही होगी बात, कोई बात नहीं। सो अ मैट्रिक्स इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ 2D। अब दो तीन बातें हैं इससे पहले मैं बड़ी बड़ी बात करूं कि स्टोर कैसे करते हैं मेमोरी में, और क्या रो मेजर क्या कॉलम मेजर, बड़ी बेसिक बात। बहुत सारे बच्चे CSIT में ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, और ये कोई आपको बताएगा कभी नहीं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये हम मान के चल रहे हैं कि रो और कॉलम आपको पता हो। और मैं कहता हूं इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि शॉपिंग करने जब आप जाए ना, दुकानदार पूछे क्या, तो आप बताएं तीसरे रो का चौथा कॉलम। आप समझ रहे हैं कि डिफॉल्ट वे में भी अपने जीवन में आपको किसकी टर्म में ही सोचना है, रो और कॉलम। तो जो हॉरिजॉन्टल आइडिया है उसको क्या बोलते हैं, रो, और जो वर्टिकल अप्रोच है या जैसे सेल बोल सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं, एरिटी बोल सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम है अलग अलग टॉपिक में, लेकिन आमतौर पर से क्या बोलते हैं, कॉलम। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सेल। आमतौर पे क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। नाउ लेट मी गो वन बाय वन अगेन। अगर कोई आपको बताएगा नहीं तो डिफॉल्ट केस में आप रो और कॉलम दोनों का इंडेक्सिंग कहां से शुरू करोगे, जीरो से। तब आप मुझे बताएं यहां पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड एक होंगे या दो दो होंगे, दो दो, क्योंकि आपको रो का भी लेना है और कॉलम का भी। अब ये भी पहले से कुछ स्टैंडर्ड सेट है, आमतौर पर जो रो का लोअर बाउंड होता है उसे स्टैंडर्ड बुक्स में L1 कह के बुलाते हैं। क्या बोलते हैं, ये प्रीसेट है ना। आप कोई अपना नया मेथड निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उसे पढ़ेगा कौन, तो स्टैंडर्ड यही है। लास्ट इंडेक्स को क्या बोलते हैं, U1। पहले से अपर बाउंड लोअर बाउंड पूरा बोल रहे थे, अभी वो नहीं बोल रहे, दिस इज L1, दिस इज U1। सिमिलरली कॉलम पे बोलो, दिस इज L2, वेरी गुड, एंड दिस इज U2, है ना। तो रो कहां से कहां तक चल रही है, L1 से U1 तक, और कॉलम कहां से कहां चल रहे हैं। छोटी सी प्रैक्टिस करा देता हूं आपकी, बताओ फिर टोटल कितने रो हैं एरे में, टोटल कितने रो हैं, पूरी बात नहीं बोली आपने, U1 - L1 + 1, यस। टोटल कितने कॉलम है, ये सब बाद में काम आएगा हमारे, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है। टोटल कितने सेल है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यस और नो। बिकॉज़ इस केस में देखोगे तो U1 की वैल्यू रख के पूछता हूं, ये वैल्यू क्या थी, 2
जीरो वन, ये टोटल कितना आएगा थ्री, ये भी कितना था टू जीरो वन, टोटल कितना आएगा, बात फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह का एक मैकेनिज्म है। अब जब भी कोई पूछेगा अगला एक्सटेंडेड एक और समझिएगा सब लोग, मान लीजिए इसका नाम मैं ए ही रख देता हूं, उसने बोला मेरे को ए टू थ्री चाहिए या मान लीजिए टू वन चाहिए इस केस के हिसाब से, तो कोई आपको बताएगा कौन सा रो है कौन सा कॉलम है? नहीं, ये भी स्टैंडर्ड है। क्या है बोलिए, पहला जो लिखा है वो पहला, आप बताए ए टू, हाँ टू क्या है या कॉलम का सोच लो एक बार, इसको 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 मैं छोड़ूंगा थोड़ी, तो बहुत जगह चीची बुलवाऊंगा, अभी तो कितनी बार बोला है, तीन बार। चलो ये क्या होता है रो, दूसरा क्या है कॉलम, ये कभी कोई चेंज कर सकता है, जैसे मान लो रो मेजर कॉलम मेजर की बात करते हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी कोई एड्रेस बताएगा टू डायमेंशनल सिस्टम में, हमेशा पहले क्या बताया जाएगा रो, ये आप चेंज भी नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए आपको, नहीं सर इसका नाम मैं L1 नहीं, इसका नाम मैं राहुल गांधी रखूंगा, आप रख सकते हो, रख लो आपका मन है, लेकिन यहां पर हमेशा पहले क्या ही बताएंगे रो, उसके बाद क्या बताएंगे। अच्छा रियल लाइफ में ये, चलो आप मुझे बताओ 2D अरे काय को बनाना है, क्या जरूरत है इसकी, दो चार थोड़ा और वर्सिटैलिटी सोच लेते हैं। रियल लाइफ में 2D अरे कहां नजर आता है आपको, या ये वे बहुत अच्छा गिला, गुड। जब हम इमेज की बात करते हैं तो जैसे आपका आजकल सोचते हो 1K 4K समथिंग, ले 182 1080 to 1080 या 1080 to 720, तो इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा आपने, कंप्यूटर ग्राफिक्स, यस। तो वहां पे मैट्रिक्स और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन 2D एरे का बहुत काम आ सकता है। और कोई एग्जांपल, हाँ एक्सेल, एक्सेल में कैसे, नहीं एप्लीकेशन टाइप पूछ रहा हूं, और कोई एग्जांपल, जैसे आमतौर पे एक और एग्जांपल बाद में डेटा साइंस पढ़ेंगे, किसी ग्राफ को स्टोर करना हो, है ना, तो अगर मैं ऐसे बोल देता हूं कि लेट मी से 01234 01234, तो मान लीजिए 2,1 पे 1 लिखा हुआ है, इस बात का क्या मतलब है, वर्टेक्स नंबर 2 से वर्टेक्स नंबर 1 पे क्या है, एज है ना। तो आमतौर पे किसी ग्राफ को स्टोर करने के लिए भी क्या हम 2D मैट्रिक्स यूज करते हैं, हाँ। और इस तरह के बहुत सारे, डिस्टेंस स्टोर करना हो, अगर वेटेड ग्राफ है, अगर मुझे किसी ग्राफ की मैट्रिक्स स्टोर करनी हो, वर्टेक्स नंबर 2 से वर्टेक्स नंबर 1 पे जाने का कॉस्ट क्या है 7, तो सारी कैलकुलेशन आमतौर पे कहां पे की जाती है, 2D के ऊपर, है ना। एक दो केस देखिए डिक्लेरेशन के, ये जरा बताओगे क्या हो रहा है, हालांकि हमें इसमें इंडिविजुअली कोई स्कूल टाइम टेबल पीरियड, हाँ बात ठीक है, मैट्रिक्स मूवी में, अरे भाई मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, सुडोकू, सुडोकू आप बोल सकते हैं, सुडोकू इज ऑल्सो टू डायमेंशनल आइडिया, करेक्ट। मार्कशीट रिजल्ट का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है हमारे बच्चों पे, टेबल, हाँ जी क्या लिखा हुआ है ये देखो, बस मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं, सी को मानते हुए सबसे पहले अगेन 2D अरे को डिक्लेयर करते हुए आप क्या बोलेंगे, डेटा टाइप क्या, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, उसके नीचे उसका एग्जांपल लिख रहा हूं। तो मान लीजिए हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो किस टाइप का कर रहे हैं, इंटीजर है, बहुत बेसिक बात। उसके बाद क्या बताएंगे, ऐसा बिल्कुल सेम है जो पहले किया करते थे, वो भी अभी कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिलहाल इसका नाम इसने क्या बोला, डिस्प्ले, है ना। उसके बाद अगेन जैसा मैंने आपसे बोला ये तय है पहले से, पहले आप क्या बताएंगे, रो का काउंट फिर कॉलम का, यहां पर क्या लिखा है 2, यहां पर क्या लिखा है 4। मैं चाहता हूं कल्पना कर पाओ इस बात की, 2 के मायने क्या है, दो रो होंगी, कॉलम कितने होंगे 4। अगर दो रो होंगी और बताया नहीं गया है तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी, 0 से, तो इसका मतलब 2 ही नंबर होंगे, रो नंबर 0 रो नंबर 1, इसे विजुअलाइज कर सको आप, ये चाह रहा हूं मैं, कॉलम कितने होंगे 4, वेरी गुड। और बताया नहीं गया तो कहां से कहां चलूं, 0 से 3, तो 0 1 2, बताइए इतनी बात समझ आ रही है क्या। उसके बाद इसने सिर्फ डिक्लेयर किया कि इनिशियलाइज भी किया है, वैल्यू भी बता रहा है, ये इसने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के क्या बताया, डिफॉल्ट केस में हम वैसे क्या मानते हैं, रो मेजर,
यानी कि पहले हम कॉलम के हिसाब से चलते कि रो के हिसाब से, रो। तो अब ये क्या बोला इसने, 10, 11, 12, 13, तो कैसे भरूं, 10, 11, 12 और 13 एंड देन 14, 15, 16 एंड 17। अगर मैं इसे ऐसे बोल देता, जैसे यहां तो बड़ी क्लैरिटी से नजर आ रहा ना एक रो, अगर मैं ऐसे बोलता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भरना शुरू करता और जैसे ही चार एलिमेंट पूरे होते रो के हिसाब से चलता फिर आगे बढ़ता, है ना। तो अब ये तो एक सिंपल सा आइडिया है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी समझिए, कंप्यूटर का जो ये जो भी हम बना रहे हैं ना, 2D बना रहे हैं, 3D बना रहे हैं, आगे ग्राफ बनाएंगे, ट्री बनाएंगे, ये सब हमारे दिमाग में है। कंप्यूटर में रियलिटी में मेमोरी कैसा है, लीनियर है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। जब हम एड्रेस बताते हैं, क्या हम कॉलम और रो नंबर बताते हैं, हम सिर्फ एक एड्रेस बताते हैं। प्रॉब्लम समझिए क्या है, तो प्रॉब्लम है ये, बल्कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल लेता हूं, उससे आप और आसानी से इस बात को ऑब्जर्व कर पाओगे। तो आप ये बनाते रहो स्ट्रक्चर, हमें इस बात से परवाह नहीं है, हमारे पास ये एक मेमोरी है। आगे हम पढ़ेंगे, हम बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे, एवीएल ट्री पढ़ेंगे, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है मेरे पास सिर्फ यही एक ओरिएंटेशन है, आपको जैसे मैनेज करना है इसी में करना है ना। तो अब ये जो 2D एरे है, जब ये मेमोरी में स्टोर होता है तो ये पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1D आईडिया के अंदर, और सिमिलरली इस तरह से कन्वर्ट करना है कि आपको याद भी रहे। क्यों, क्योंकि अभी तो आप स्टोर कर रहे हो, बाद में पढ़ेंगे भी तो हम ही, तो आपसे जब कोई एड्रेस पूछेगा वो किस हिसाब से पूछेगा, 2D के हिसाब से। हमने अंदर कैसे भरा है, तो हमें मन में सोचना पड़ेगा कि हमने क्या भरा था, उस हिसाब से ही हम रीड कर पाएंगे। फॉलो कर पा रहे हैं, मुश्किल लग रहा है, अभी धीरे धीरे आएगा समझ, ठीक। तो अब ये काम करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से, इसे बोलते हैं रो मेजर और कॉलम मेजर। रो मेजर का मतलब क्या होता है, रो बाय रो, जो मेरे ख्याल से अगर आप सोचो बाय डिफॉल्ट इंसान के सोचने का बेसिक तरीका भी है। अगर मैं आपसे कुछ ना बोलता कि जरा इसे भर के दिखाना, तो भी शायद आप कैसे भरते, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन, जो अगर आप सोचो तो बहुत हद तक ब्रेथ फर्स्ट टच फिलॉसफी को फॉलो करता है, BFS, पहले एक लाइन फिर दूसरा लाइन। एक आइडिया हो सकता था कॉलम मेजर, कॉलम मेजर में क्या करते, पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम फिर तीसरा कॉलम, जो कुछ हद तक बोल सकते हैं DFS वाला अप्रोच हो सकता है। यस, चलो एक बेसिक क्वेश्चन बताओ पहले, SNJ 2020, मैं आपको ये भी साथ साथ टेस्ट दिलाता चलो ना कि एग्जामिनर की कोई बहुत महान रिक्वायरमेंट नहीं है आपसे। अनुज पोल चलाओ, बेसिक बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं, ये भी चेक करता चलूंगा बीच बीच में। हालांकि डिक्लेरेशन सी में है कि जावा में है, ऐसा लिखा है उसमें क्वेश्चन में ना, तो बस मैं देख रहा हूँ कि आप फ्रेंडली है, क्योंकि सी का तो हमने देख लिया, जावा का आइडिया है किसी को, तो धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। आप सबको जॉब चाहिए कंपनी में, है ना, जॉब कैसे मिलेगी, मार्क्स जब आएंगे, पेपर में मार्क्स आएंगे तभी मिलेगी। मार्क्स कैसे आएंगे, पढ़ते तो बहुत है, नॉलेज आना चाहिए, यस, नॉलेज। और नॉलेज कैसे आएगी, पढ़ने से नहीं, कैरेक्टर से। पढ़ते तो बहुत है, पढ़ के नॉलेज आती है, सब पढ़ना लेते, यस। तो कैरेक्टर में क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए और ठहराव चाहिए। अच्छा एक बात सोचो, आप लोग 10 साल के बाद कितने का पैकेज चाहते हैं, कि मान लो 10 साल के बाद मैं IT इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, इतना मेरा पैकेज होना चाहिए। नरेंद्र बताओ कितना, बहुत ज्यादा सोच के बोला ना आपने मन में, अच्छा बहुत कम सोचा है, खड़े हो जाओ, अपने आपसे नहीं पूछ रहा, खड़े हो जाओ, आपका क्या नाम है, विवेक। 10 साल बाद क्यों, अभी आपको लगता है कि अभी भी आपके अंदर दम है 50 लाख, क्योंकि बच्चे तो लेते हैं बीटेक में, बहुत कॉलेज में मिलते हैं, अभी नहीं था मैं विवेक 50 लाख का,
तो आपको कटपिट के कितना चाहिए आप बताओ? 40 लाख। हाँ, तो अभी आपको लग रहा है कि आपकी वर्थ फिलहाल ऑन अ सीरियस नोट 40 लाख है। सोचो भाई, चाहिए तो हमको किसी से भीख तो मांग नहीं रहे, जो हमें साल के काट पीट के इनके हिसाब से 40 लाख देगा वो कितने का काम लेगा? लेगा ना भाई, ये तो कॉमन बिजनेस की बात है। तब आप मुझे बताओ विवेक, आपको लग रहा है कि आज आपके अंदर इतना दम है कि आप किसी को एक साल में करोड़ 2 करोड़ कमा के दे दो तब वो बदले में 40 लाख दे पाए? आ तो कुछ भी सकता है, अभी की बात हो रही है, अभी नहीं। आपको लगता है कि मान लो कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है जिसका 2-3 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, होते हैं ना इतने बड़े बड़े, और उससे मीटिंग करने जाना, उसको पटाने जाना कि भाई ये ना प्रोजेक्ट अगले साल भी तो हमें ही दियो, है ना, उस मीटिंग में आपको भेज दे, जाओगे? 5 लोग जा रहे हैं, आप जाओगे? जा तो सकते हो, जाने की समझ है, प्रोजेक्ट की नॉलेज नहीं, पहले तो इंसान होने की नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है कुछ बोलो ना, चुप रहो, है ना, लेकिन कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, आप समझ रहे हैं मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? CSIT में आपकी पर्सनैलिटी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अब मान लो आप मैकेनिकल बैठ जाओ, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, है ना, कहीं पावर प्लांट में पोस्टेड हो, हिंडाल्को में टर्बाइन पे खड़े हो टोपी पहन के, क्या फर्क पड़ता है कैसे बात कर रहे हो, कैसे उठ रहे हो बैठ रहे हो, उसी तरह के लोगों से बात करनी है। बट हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, हमारे ज्यादातर क्लाइंट यहीं के हैं कि बाहर के हैं? बाहर के हैं। आप जिस लेवल में जाने, बड़ी कंपनी आने का सपना देख रहे हो ना, अभी सोच रहे हो कि वहां पर आप जाओगे, वहां पर जब एक टीम मीटिंग होगी तो कितने लोग होंगे और कितने कितने देश के होंगे? एक एक टीम में 20-20 देश के लोग बैठते हैं, यस और नो? यस। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, सभी को समझा रहा हूँ, पढ़ाई तो साथ साथ चलती रहेगी, है ना। कैरेक्टर का मतलब क्या है, आप अभी से ये मानना शुरू करिए कि आपको इस तरह का आदमी बनना है जो उस लेवल की कंपनी में उठना बैठना सीख सके, वहां लोग कैसे बात करते होंगे वो कर सके। आप अगर अभी जाओगे तो आप आउट ऑफ प्लेस लगोगे। ऐसा होता है ना, मान लो कि आप किसी बड़े होटल में चले गए, आपको डर लगता रहता है अंदर से, लगता है, है ना, मैं कुछ गलत ना कर दूं, वो खाने में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, बात समझ आ रही है? वो कैसे आएगा, वो आएगा। अच्छा, एक और आखिरी बात पूछ लेता हूँ, मैं 2 आदमी आपको दिखाऊंगा, एक बहुत पढ़ा लिखा होगा, एक के पास बहुत पैसे होंगे, 15 मिनट बात कर लो दोनों से, आप पहचान लोगे कौन सा कौन है? हाँ, पहचान लो, पढ़ाई अलग चीज है और पैसा अलग चीज है, है ना। तो आप अगर बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, अच्छा उस लेवल का करियर बनाना चाहते हो, नॉलेज तो साइड ले आएगा आपको, वरना आप पहले ही छट जाएंगे। आप कभी क्या करो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इन सबके ऑफिस तो है नोएडा में, पहले ऐसे 62-63 कहीं भी चले जाओ, देखो जब कोई नॉर्मल कंपनी से बंदा बाहर निकलता है, फिर गूगल के ऑफिस के बाहर जाके खड़े हो जाओ, माइक्रोसॉफ्ट के बाहर जाके खड़े हो, आप देखना लोग ज्यादा शिष्टाचारी होंगे, ज्यादा संयमी होंगे, ज्यादा बोलते होंगे कि कम बोलते होंगे? कम बोलते होंगे। छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करने वाली, ध्यान देना, मोटे मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। जो आदमी इस लेवल पर पहुंचा है ना, जो मैं एक्सेप्शन नहीं कह रहा, है ना, लेकिन वो लोग ना बड़े डिसिप्लिन पर चला होगा वो आदमी जो उस लेवल की कंपनी में पहुंचा है। तो जो छोटी छोटी गलती आप और हम करते हैं ना, अगर उसे 10 मिनट मिलेगी तो वो जाके फोन में टीम्स में चेक करेगा, वो इंस्टा की रील नहीं चलाएगा, ऐसे हम करते हैं, बातें करते हैं ऐसे, ये जैसे भी आप हंस रहे हो वैसे हंसेगा भी नहीं, मतलब हंसो में मना नहीं कर रहा, आप कभी क्लास में हो ज्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन आप ऑब्जर्व करा करो सोसाइटी में। कोई सेना का जनरल है, 3-स्टार 4-स्टार जनरल है, वर्दी में नहीं भी होगा ना तो आपको लगेगा ये जनरल है। 5 आदमी विदाउट ड्रेस चल रहे हैं यूपी पुलिस के, आप बता दोगे इसमें SP कौन है और हवलदार कौन है? 5 ड्रेस में नहीं थे, लेकिन उसके चलने का तरीका, उसके बात करने, उसका कॉन्फिडेंस बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। तो वो क्या अचानक से आ जाते हैं क्या रात रात में? नहीं। तो धीरे धीरे काम करोगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, धीरे धीरे आप सीखो कंपनी, हम सुबह से शाम तक जैसे लोगों में उठते बैठते हैं ऐसे ही काम करने लगते हैं, है ना। चलो तो खैर आगे चलेगी, बट मैं आपको याद दिला रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी अच्छी बात नहीं कर पाएंगे, आप पहुंचेंगे तो वही हाँ हूँ उल्लड़ करते रह जाएंगे, ठीक है। ठहराव लाइए, पेशेंस लाइए, और आंसर बोलिए मत, आंसर लिखिए, और फिर भी अगर आतुरता नहीं हैंडल हो रही तो हाथ खड़ा करिए, ये तरीका है। कल को आप मुझे पता नहीं, मान लो आप IIT में पढ़ते अगर, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते, वहां कैसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं,
प्रोफेसर आया पढ़ाने के लिए, कमरा अंधेरा है, प्रोजेक्टर चल रहा है, जो पढ़ा रहा है ना वो खुद पद्मश्री पद्म भूषण होगा, उस लेवल के प्रोफेसर वहां पढ़ाते हैं, वहां सही आंसर उठा के बाहर फेंक देगा, जाहिल बदतमीज कौन हो तुम, कब आयो, कौन से बैच में, ऐसे तो आपको हाथ कर और वो हो सकता है वो पूरे लेक्चर ध्यान भी ना दे आप पे, उसके बाद बाहर जाके पूछ सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर एक डाउट था पूछ लूं थोड़ा सा, उसमें भी कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बोलते हैं सर ये आपने गलत पढ़ा दिया, तो पूछने का तरीका होता है, क्या बोलोगे आप, सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आप 99% श्योर भी हो ना कि टीचर ने गलत पढ़ाया, तो ऐसा बोलोगे आप बोलोगे सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये ऐसे हो सकता है क्या, ये ऐसे होना चाहिए क्या, लाइक दिस, आप समझ रहे हो, अगर मुझे आपको बोलना है कि आप गधे हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप गधे हो, मैं बोलूंगा शायद आप थोड़ा कम समझ रहे हो, ये बोलने का कायदा है, तमीज है, आप समझ रहे हो, तो धीरे धीरे काम करेंगे इसके ऊपर, बात वही है, मन में मैं ये सोच रहा हूँ लेकिन ऐसे ही बोलूंगा, ठीक है, और जल्दी से किसी को जज नहीं करेंगे, ना मैं आपको करूंगा ना आप मुझे, आम जो आदमी हो ना दुनिया में आप देखते हो जज कर लेते हम बहुत जल्दी, आपने क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने आपको जज कर लिया, पता नहीं कैसा है, अभी मुझे क्या पता आपके जीवन में कितने संघर्ष है, कहाँ आप लोगों ने धक्के खाए हैं, कॉलेज वाले परेशान कर रहे हैं, बाबू सोना चक्कर है, कितनी पीड़ाएं हैं आपके जीवन में, कम है पीड़ा है, तो मैं कैसे जज करूँ आपको, तो मैं ऐसे आप मुझे मत जज करिएगा, है ना, लेकिन धीरे 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 बहुत सारी बातें समझेंगे आप, चलो क्या आंसर बताऊं इसका, तो ये क्या सही तरीका है, ये तो सही तरीका हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस 1D है, स्क्वायर ब्रैकेट कितना लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये सब बाहर कर दो, और कोई वन वाला है नहीं, अच्छा ये देखो क्या महान कलाकृति है, ये क्या किया है, ये ब्रैकेट को भी क्या कर दिया, नेस्ट कर दिया, ये कोई भला तरीका है नहीं, तो मैं आपको बताऊं कॉमन सेंस, अगर थोड़ा ठहराव से आप देखें, जिस बच्चे ने जावा पढ़ी भी ना हो क्या वो भी इसे आंसर करने योग्य, हाँ है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यही डिफरेंस है कि वैसे आमतौर पे ARR को पहले लिखते, यहां पर बाद में लिख दिया, बट सी इज द करेक्ट, फॉलो कर पा रहे सब लोग, चलो अभी थके तो नहीं, ये थक गए नहीं, चलो ठीक है, अगर थक भी, अभी अगली शिष्टाचार वाली बात, इस बार सही कहा, अगर थक भी गए होंगे तो भी जब क्लास बंद करनी हुई तो कौन बंद करेगा, मैं करूंगा, लेकिन जैसे फौज में पूछते हैं ना एनी प्रॉब्लम, उसके 2 हाथ पर कट चुके हैं अभी, मेरा 2 सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये देखो आप, ये क्या नजर आ रहा है आपको, छोटा सा आइडिया पूछ रहा हूँ, कमान क्या नजर आ रहा है, रो मेजर कॉलम मेजर, रो मेजर है ना, यहाँ पे तो ये अपने रियल रूप में था, क्या था, रो बाय रो, रो बाय रो, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते देखो, पहले ये अगर मैं ऐसे लिख दूं, पहले रो नंबर 0 स्टोर कराया गया, जब एक रो खत्म हो गई तो रो नंबर 1 और फिर रो नंबर 2, अब मैं आपको बताऊं देखो, गेट में तो किसी भी डेप में जा सकते हैं या और अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आम तौर पे एग्जामिनर का बेसिक इंटरेस्ट क्या होता है कि बच्चों को रो मेजर कॉलम मेजर में पढ़ना भी आता है कि नहीं आता है, एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, कम ऑन, और कॉपी पे लिख के रखना जो भी आंसर आए, अनुज पोल चलाओ, एसेंचर 2021, एक 2D मैट्रिक्स आपके पास है, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, और आपको एक सवाल एक्स्ट्रा दे देता हूं, क्वेश्चन किस पे पूछा गया है, ये रो मेजर पे कॉलम पे, रो पे ना, इसमें एक ऑप्शन कॉलम वाला भी है, वो भी ढूंढ के रखना, कॉपी में लिख के रखना, 4 में से एक ऑप्शन कॉलम वाला भी है, इतना पहचान लो बात बन जाएगी, लिख लो, वेरी गुड, सर इन पढ़ाई कैसी चल रही है, रिवीजन चल रहा है, कब है पेपर, 14 को, अभी है 10 दिन है, नाना पाटेकर की मूवी पुष्कर में था, हाँ था, वेरी गुड,
बहुत सारे बच्चों ने वोट किया है। अब जो ये जो ऑफलाइन आ रहा है ना तो मैं रगड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आप लोग ऑनलाइन बैठे हुए, आपको पहला काम करना पोल में पार्टिसिपेट करिए। अगर आप ये सोच रहे कर लेंगे कर लूंगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। पूरी क्लास कंसंट्रेशन के साथ देखनी और पोल में पार्टिसिपेट करना, तब पता लगेगा सही है गलत। कुछ लोग सोचते हैं ऐसी ब्रह्म विद्या इसे एग्जाम में यूज करेंगे, बस वही सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो बताओ मुझे, बहुत साधारण बात है। हालांकि पहले क्या करना है, रो मेजर। बताओ रो मेजर में कैसे, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलो कैसे भाई कैसे, तो रो बाय रो चलेंगे। तो सबसे पहले ए बी सी, जैसा भी हम देख रहे थे अभी, पहली रो खत्म हुई, दूसरे पे गए तो ये कौन हुआ, डी ई एफ, और फिर ये भी खत्म हुआ तो सर तीसरे पे गए, दिस इज जी एच आई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी। कोई वैल्यू इधर उधर तो नहीं है, ठीक है। ये मैं क्या बोलूंगा, ऑप्शन जब टिक करो ना उसकी जांच ऐसे करो जैसे किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो। जब करते तो क्या करते बताओ, पहले तो नंबर चेक करोगे चार बार, मैच है कि नहीं है, मैच है कि नहीं है। उसके बाद अमाउंट चेक करोगे, जब 100% श्योर हो जाओगे तो आप में ओटीपी आया, जो भी आया, आप में से किसी ने कभी गलत जगह पैसे भेजे हैं, आपने भेजे किसी गलती से किसी और को भेज दिए, कितने, 1000 वापिस आए, देखो आपका किसे देके आए फिर, चलो यूनिवर्सिटी में गया तो वापस आ गया, और किसी ऐसे को गया तो फिर वापस नहीं आएगा, है ना। तो ये बात यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बताओ कॉलम मेजर का कौन सा ऑप्शन, डी। कुछ लोग कोई और भी बोल रहे हैं, सबका डी है। डी कैसे, ऊपर से नीचे, सो ए डी जी, देन बी ई एच, एंड देन सी एफ और आई। बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। तो रो मेजर कॉलम मेजर पहचान सकते हैं, ठीक है। आज मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा बिकॉज फिर थोड़ा कैलकुलेशन टफ होगा, बट एक बार देखिए अगली क्लास में क्या करना, मन हो तो उसकी तैयारी करके आइए। जिस तरह हमने वन डायमेंशन के लिए किया जो कि बहुत आसान था, हमें फॉर्मूला डिराइव करना है किसके लिए, टू डायमेंशन के लिए, है ना। उसे रटना है कि समझना है, समझना है। रट तो आप सकते ही होंगे और रट भी चुके होंगे अगर रटने की जरूरत पड़ी होगी तो। कोशिश करूंगा आपको समझाऊं और इस तरह से समझाऊं कि इसमें कुछ चेंजेस हो तो वो भी हम कर पाए फ्यूचर में, क्योंकि अगर कोई इसको एनालिसिस लेवल पे लेके जाए, जो कि हालांकि प्लेसमेंट में जिसके चांस कम है, तो बड़े मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। अभी तो मैं आपको सिंपल 2D मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ। इमेजिन अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन यू ट्राई टू राइट सम न्यू फॉर्मूला फॉर इट। वो एग्जाम में एक नए तरह का मैट्रिक्स बनाएगा, फिर उसमें एक नए तरह का स्टोरेज मेथड बोलेगा और फिर बोलेगा अब अगर दम है, अब अगर माई के लालियन लालियो तो फॉर्मूला डिराइव करके दिखाओ, तो वहां रट्टाफिकेशन काम आएगा कि नहीं, नहीं। हालांकि बेसिक लेवल कंपनी में जहां 60 सेकंड मिलते हैं वहां पॉसिबल नहीं है, वहां क्वेश्चन सिंपली पूछा जाएगा, रो या कॉलम की वैल्यू बता देगा और पूछेगा फॉर्मूला भर के आंसर निकाल दो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहां पूछा है, कॉग्निशन में, सारे डायमेंशन साइज बता दिए, वैल्यू भरनी है, आंसर निकालना। लेकिन अगर और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऊपर जाओगे तो और मुश्किल हो सकता है। अभी गेट में पूछा है, देखो पुराना केस है, बट यहाँ कर दी इसने फॉर्मूलाबाजी, तो ये सिंपल नहीं पूछेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पूछेगा। उस पर आगे काम करेंगे, कॉलम मेजर पे काम करेंगे, और एक काम जो करने वाले हैं वो करेंगे 3D पे, अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो, क्योंकि हालांकि इसके एग्जाम में पूछे जाने के चांस कम है, और आप इंटरेस्ट लोगे तो मैं तो आपको डिराइव कराऊंगा किसके लिए, क्योंकि 3 तक तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, 3 के आगे विजुअलाइज कर पाना रिलेटिवली मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए भी फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पैटर्न समझोगे तो बात समझ आएगी। एंड देन कुछ टॉपिक जो मैंने एक्सक्लूसिवली प्लेसमेंट्स के लिए ऐड किए, जो मैं बोल रहा था लास्ट क्लास में, डायनेमिक एरे, क्या यहाँ पर बैक टू बैक ये सारे क्वेश्चन आप देखिए, TCS ये किसमें था, हेक्साबेयर, ये किसमें, LNT में, बहुत सारे क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, डायनेमिक एरे, जो आमतौर पर BTech सिलेबस में सीरियसली कंसिडर नहीं किए जाते। और मैं देख रहा था स्पार्स एरे, ये भी एक टाइप है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि प्लेसमेंट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए किस पे, स्पार्स पे। तो ये जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स है कंप्लीट करेंगे, इसमें एक या दो क्लास हमारी और लगेगी, बट जो मेरा प्रॉमिस है एरे के बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन। और एक और बात, अभी क्या मैं एरे का टोटल आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं। जैसे मान लीजिए एरे पे बहुत अच्छे अच्छे केस बनते हैं रिकर्शन के साथ, है ना, लेकिन वो केस कब करेंगे,
वो किस कब करेंगे, जब हम रिकर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि वो बीच में आ जाएगी बात। एरे पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी मैं बहुत डेप में जा रहा हूँ नहीं, तो एरे की तो बहुत खानदानी दोस्ती पॉइंटर्स से, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे पॉइंटर्स वाले, लेकिन वो कब पढ़ सकते हैं, जब पॉइंटर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से। तो भी मैं अपने आप को बड़ा कन्फाइन करके सिर्फ एरे का कौन सा पोर्शन टच कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन समझा रहा हूँ सिर्फ, कि एरे को फंडामेंटली ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल करके कौन कौन से स्ट्रक्चर में कैसे कैसे यूज करेंगे, वो आने वाली क्लास में हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल इतना हम यहाँ पे पढ़ के चल रहे हैं कि इसके आगे पीछे कुछ है नहीं, इतना करके जाओगे तो टेक्निकल में कम से कम कंपनी बार नहीं करेगी। और अल्टरनेट आपकी नॉन टेक्निकल वाली क्लास भी चल रही है, वो कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है। तो दो या तीन महीने की साइकिल है, तीन चार महीने मान लो, है ना। आपने पहले क्या पढ़ा, पहले नहीं पढ़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तीन या चार महीने डिसिप्लिन के साथ, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस होना, उसका भी मुझे पता है क्या नतीजा होता है, और ना ही अंडर कॉन्फिडेंस। और कुछ लोग होते हैं ना जो मन मन में मान लेते हैं कि ये काम नहीं हो सकता। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं सर, 3 लाख 4 लाख 5 लाख का पैकेज निकालना आसान काम है कि मुश्किल काम है, बहुत आसान काम है। और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं निकाल पा रहे कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, प्रॉब्लम क्या, बस सोच नहीं रहे या गलत डायरेक्शन, किसी ने बोल दिया ये टेक्नोलॉजी सीख लो, है ना। आप में से कुछ लोग पहले बता रहे थे ये सर्टिफिकेशन कर लो। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है वही पढ़ा रहे हैं, और उसी से सिलेक्शन भी होगा, उसी से हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है, ठीक बात है। चलिए टाटा बाय बाय, भाग जाइए यहाँ से, कल बात करेंगे आगे। थैंक यू सो मच, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। ओके। बस बस।